गर्मी आ चुकी है और इस बार सुनने में आया है कि पिछले सालों के मुकाबले और ज्यादा गर्मी पड़ेगी इस बार। इससे निजात पाने के लिए आपको एक पर्सनल एयर कूलर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और मैं आपका दोस्त विनीत मल्होत्रा लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा ट्रू व्यू जिसमें आपको सारे पर्सनल एयर कूलर को कंपेयर करके ये बताने वाला हूँ कि 2023 के अंदर बेस्ट एयर कूलर पर्सनल कैटेगरी के अंदर कौन सा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे मैं कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं बनाता और जितने भी एयर कूलर्स आप इस समय मेरे पीछे में रखे हुए देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे उन सभी को पहले मैं खुद अपने पैसों से खरीदता हूं ताकि आपको एक ट्रू कंपैरिजन जिसे मैं ट्रू व्यू बोलता हूं वो आपको दिखा सकूं और उसके बाद बता सकूं कि आपके पैसों की बेस्ट वर्थ आपको किस एयर कूलर को खरीदने के बाद मिलेगी। हमें किसी ब्रांड का प्रेशर नहीं होता इसलिए मैं आपको वो प्रोज एंड कॉन्स बता पाता हूं जो आपको कोई भी स्पेक्स पढ़ के नहीं बता पाएगा। लेकिन एयर कूलर खरीदने से पहले आपको मेरी दो तीन बातें जरा जल्दी से जाननी है, उन्हें जरा सुनिए। दोस्तों ये पर्सनल एयर कूलर का वीडियो है और पर्सनल एयर कूलर होता क्या है, वो एक छोटा कूलर होता है जैसे ये पीछे रखे हैं ये सारे पर्सनल एयर कूलर्स हैं और इन कूलर से आप अपने कमरे को यानी रूम को ठंडा नहीं कर सकते। आप ये अपने पर्सनली यूज के लिए यानी एक या दो लोगों के लिए यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और इन्हें 40 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में यूज करेंगे, ठंडी हवा तो छोड़िए आपको हवा भी गर्म लगने लगेगी। यही पर्सनल एयर कूलर या फिर किसी भी एयर कूलर का काम होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको अगर एयर कूलर को चलाते समय थोड़ी सी स्मेल आए पहली कुछ बार में तो वो प्लास्टिक की स्मेल होती है, वो थोड़े दिन में अपने आप चली जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आप एयर कूलर खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आपको लगे हुए कूलिंग पैड्स भी मिलेंगे और ये दो टाइप के आते हैं, एक पुराने जमाने की घास टाइप के जैसे वुड वूल कूलिंग पैड्स कहते हैं और एक नए जमाने की हनीकॉम पैड्स जैसे। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं लेकिन मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह मानिएगा, जब आपके किसी भी टाइप के कूलिंग पैड्स खराब हो कंपनी में फोन बिल्कुल मत करिएगा। आपको लोकल मार्केट में वही कूलिंग पैड्स आधे से भी कम कीमत में मिलेंगे और उन्हें चेंज करवा के आप अपने कूलर को नए जैसा बना सकते हैं। अब यार कूलर खरीदो तो थोड़ा सा मेंटेन भी कर लो। देखो आपको 3-4 दिन में कूलर का पानी पूरी तरीके से बदलना है, थोड़ा सा पानी बच गया कोई बात नहीं उसको भी फेंक के पूरा बदल लो और 3-4 हफ्ते में एक बार या 2-3 हफ्ते में एक बार उसके पैड्स निकाल के थोड़ा सा धो लेना, साफ कर लेना। इससे क्या होगा, इससे कूलर के अंदर से जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी, स्मेल थिंग ऑफ द पास्ट, इसी तरह से करना। यार बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पिछले साल के वीडियो पे लिख के बोल रहे थे यार इसमें तो आवाज बहुत आती है कूलर में, भाई ऐसा कौन सा कूलर है जिसमें से आवाज नहीं आती। कूलर के अंदर आपको 60 से लेके 80 डेसिबल्स के बीच में नॉइज लेवल्स देखने को मिलते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली ओके। मोटर चलेगी, पंखा चलेगा, आवाज तो आएगी ही, पंप भी चलेगा यार, आवाज तो आएगी ही। ऐसा कोई कूलर नहीं होता जो साइलेंट होता है और अगर कोई कहता है कि वो साइलेंट है तो वो झूठ बोलता है, ना किसी ब्रांड की ना किसी और की मार्केटिंग गिमिक में फंसी है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर पर्सनल एयर कूलर खरीद के उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके रूम को ये ठंडा कर देगा या आपको ठंडक पहुंचाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके एरिया में आपके रूम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी टाइप का एयर कूलर खरीद रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका पंप बिल्कुल नहीं चलाना है, आप हवा से ही एंजॉय कर सकते हैं और उसी से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। पंप चलाएंगे तो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, इस बात का प्लीज़ याद रखना और बार बार यही चीज़ अगर आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे जवाब यही होगा। यार ये वाला कूलर बहुत जबरदस्त है, इसमें एक टेक्नोलॉजी आती है उसका नाम है ब्रीज और इस वाले कूलर में एक टेक्नोलॉजी आती है उसका नाम है कूल। अरे बकवास है सब, आपको मार्केटिंग गिमिक्स में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ब्रांड आपको बहलाने की कोशिश करेंगे कि हमारे कूलर के अंदर फलानी फलानी डमकानी कौन सी क्वालिटी है और कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सारी टेक्नोलॉजीज मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं और बहुत सरल शब्दों में, और आपको एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक मार्केटिंग गिमिक्स में कभी नहीं फंसना है किसी भी ब्रांड की और
दूसरा मेरे प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एयर कूलर खरीदना है। कभी गलती नहीं करोगे आप। सारी इधर उधर की बातें बिल्कुल खत्म और अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट पर्सनल एयर कूलर इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है सिम्फनी का ये डाइट 35T, जिसके अंदर आपको एक ब्लोअर लगा हुआ मिलता है और इसमें 170 वॉट की पावर मैक्सिमम कंज्यूम होगी। सिम्फनी के इस कूलर के अंदर आपको 35 लीटर की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलेगी और साथ में हनीकॉम पैड्स लगे हुए मिलेंगे और इसमें आपको मिलती है आई प्योर टेक्नोलॉजी। उसे जरा आप बहुत ध्यान से देखें, ये है इसके पीछे का फिल्टर। सिम्फनी के हिसाब से ये 3 छोटे छोटे फिल्टर्स आपके रूम में से डस्ट, बैक्टीरिया, जर्म्स और स्मेल को खत्म करेंगे, लेकिन इन्हें देखते हुए और इन्हें यूज करने के बाद हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इसके बाद आपको इसमें मिलती है ड्यूरा पंप टेक्नोलॉजी। अब ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो सिम्फनी ने अपने इस एयर कूलर के अंदर यूज करी है। आपके कूलर के अंदर अगर पानी खत्म हो गया और पंप फिर भी ऑन है तो भी पंप खराब नहीं होगा। उसके साथ साथ एक SMPS टेक्नोलॉजी भी इस कूलर में यूज करी गई है। उसका मतलब ये होता है कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो भी इस कूलर की मोटर पे कोई असर नहीं होगा और कूलर अपने आप बंद हो जाएगा। वोल्टेज ठीक होने पे आप उसे दोबारा ऑन कर सकते हैं। नाउ दीज टू आर रियली गुड टेक्नोलॉजीज। इस कूलर में आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिलेगा, आइस चैम्बर और ड्रेनिंग आउटलेट भी इस कूलर के अंदर है और ऑब्वियसली इसके कैस्टर व्हील्स भी अच्छे हैं और स्टर्डी हैं। ये एक इन्वर्टर कॉम्पैटिबल एयर कूलर है और आपको इसमें एम्प्टी टैंक अलार्म भी देखने को मिलेगा। ये भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। सिम्फनी एयर फ्लो कभी नहीं बताते, लेकिन वो ये कहते हैं कि एयर थ्रो इस कूलर का 30 फीट है, जो कि अच्छी बात है। और क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक बॉडी का बना है, इसका वेट है 7 kg। सिम्फनी आपको देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 8,000 rupees का। इसके अंदर एक डिजिटल पैनल वाला भी एयर कूलर आता है। उसके अंदर आपको ऊपर डिजिटल पैनल लगा हुआ मिलता है और साथ में एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल। अब आप उस रिमोट कंट्रोल को टीवी के रिमोट कंट्रोल की तरह इतना स्टर्डी वगैरह मत समझिएगा, वो एक नॉर्मल बेसिक रिमोट कंट्रोल है, बट इट इज गुड टू हैव सच अ फीचर इन एन एयर कूलर। अच्छा मॉडल है, मैंने उसका भी लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट इफ यू कैन अफोर्ड इट देन इट्स अ वेरी गुड वन। आपको इस एयर कूलर के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा। ये एक अच्छा एयर कूलर है, मुझे पर्टिकुलरली इसकी एयर थ्रो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। सिम्फनी कहता है 30 feet, अब मैं उसे कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आप एक छोटे रूम में बैठे हैं, लेट्स से अबाउट 125 स्क्वायर फीट के आसपास के रूम में, और आप एक या दो लोग हैं, आपके लिए ये सफिशिएंट है, बट रूम को कूल नहीं करेगा, ये पर्सनल एयर कूलर है, इस बात का ध्यान रखिए और उसके बाद ऑर्डर करिए। अगर आप कॉन्स जानना चाहते हैं तो IPO टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कॉन है इसका, क्योंकि वो कोई इतनी इफेक्टिव चीज़ नहीं है जो आपके घर के पॉल्यूशन, डस्ट, बैक्टीरिया, जर्म्स इन सबको ख़त्म कर दे और आपके कूलर में से स्मेल और सारी चीज़ें भी ख़त्म कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। और दूसरा कौन कि इसका वाटर लेवल इंडिकेटर काफ़ी नीचे तक है और इसका टैंक काफ़ी ऊपर तक। पानी जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा तभी आपको वाटर लेवल इंडिकेटर में पता चलेगा। आई नो आई एम निटपिकिंग। ये एक अच्छा कूलर है। इसका मॉडल जो दूसरा वाला है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका भी दिया है, जल्दी से जाइए चेक करिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस नियो। इसके अंदर आपको 130 वॉट की मोटर मिलती है और इसके अंदर आपको एक ब्लोअर मिलता है विच इज रियली वेरी पावरफुल, क्योंकि वो जनरेट करता है 1350 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर फ्लो और इस कूलर में आपको 35 लीटर की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। ये कूलर हनीकॉम पैड्स के साथ आता है और इसके अंदर 4-way एयर डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज वेयर क्रॉम्पटन स्टार्ट्स द मार्केटिंग गिमिक्स। आपको 4-way एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि भाई चारों तरफ स्विंग हो रहा होगा, इससे हमें इधर इधर और ऊपर नीचे भी स्विंग मिलेगा, मजे आ गए, पूरा रूम ठंडा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 4-way एयर डिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आए ना आए, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सिर्फ स्विंग मिलेगा 2-way, यानी इधर उधर लेफ्ट राइट होंगी सिर्फ इसकी जो लूवर्स हैं वो, ऊपर नीचे आपको अपने हाथ से ही करने पड़ेंगे, यानी मैनुअल लूवर्स ही होते हैं हर एयर कूलर के अंदर, एटलीस्ट पर्सनल एयर कूलर्स में। इसके अंदर 2 मॉडल्स आते हैं, एक ये वाला जिसके अंदर आपको नॉब्स देखने को मिलती हैं और एक दूसरा जिसमें आपको डिजिटल कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छी बात इस कूलर की है क्या? आपको इसमें फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स मिलेंगे। ये देखिए, आप इसे पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं एंड इसका मतलब ये है कि मॉस्किटो से बहुत जबरदस्त प्रिवेंशन होती है। सामने से तो प्रिवेंशन हो गई, लेकिन पीछे की तरफ से आपको एक मॉस्किटो नेट भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको सेपरेट वाटर इनलेट
और आइस चेम्बर देखने को मिलेगा और कूलर के नीचे वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है जिससे आपको पता चलेगा कि पानी इसमें कितना रह गया है। इस कूलर में एक मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन नाम की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है जिसकी मदद से अगर ज्यादा या कम वोल्टेज होगी तो मोटर ओवरलोड नहीं होगी, यानी कभी कभी सर्ज हो जाता है वोल्टेज के अंदर जिसकी वजह से मोटर फूक जाती है, वो नहीं होगा इस एयर कूलर में। ये एक अच्छी चीज है। इस कूलर को मूव करने के लिए आपको कैस्टर व्हील्स मिलते हैं विद लॉक और ये इन्वर्टर कॉम्पैटिबल एयर कूलर है जिसमें आपको सेफ्टी फीचर्स में एम्प्टी टैंक अलार्म भी देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक का बना है और क्रॉम्पटन आपको देता है 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी इस एयर कूलर पे। आप इसे अगर इस समय खरीदना चाहते हैं तो 7,500 रुपीज के आसपास आपको ये कॉस्ट करेगा और ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, मेरी गलती नहीं है। आपको इसके लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जरूर चेक करिएगा, लेकिन वो सब बाद में। लेकिन आपको पहले बताता हूं कि विच इज द बेस्ट एयर कूलर आउट ऑफ दीज टू, क्योंकि दोनों टावर एयर कूलर हैं। आपको इसे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आई थिंक This is a very very good air cooler. इसके अंदर आपको जो मोटर मिलती है which is very very powerful और वो कम पावर पे ज्यादा एयर थ्रो आपको दे रही है, थोड़ा सा ज्यादा इससे, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल तो कम आ रहा है लेकिन आपको हवा उतनी ही ठंडी मिल रही है या फिर उससे ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा आपको एयर थ्रो मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डिजिटल नॉब्स वाला या फिर डिजिटल पैनल वाला आपको दोनों मॉडल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं 35 लीटर कैपेसिटी के अंदर। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। एक इसका मॉडल आता है 52 लीटर वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्टर्डी लगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस शेप और डिज़ाइन के अंदर जब और थोड़ा सा ऊँचा हो जाता है ना कूलर, तो के अंदर थोड़ा सा भी हिलाने पे ये बहुत ज्यादा शेक कर सकता है। आई थिंक ये अप्रोप्रिएट साइज है एक पर्सनल एयर कूलर या फिर एक टावर एयर कूलर के लिए। अब मर्जी आपकी है, मैंने 52 लीटर वाले के भी लिंक दिए हैं। इसके अंदर एक अच्छा प्रो और भी है कि आपको इसमें जो व्हील्स हैं उनमें लॉक देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि पानी जब आप पूरा भर लेते हैं किसी एयर कूलर में तो आप उसके व्हील्स को लॉक कर देते हैं ताकि वो हिले नहीं, गलती से भी हाथ लग गया, कोनी लग गई, हिल जाता है तो वो गिर के टूट सकता है, ये इसमें नहीं होगा। एक और अच्छी चीज मुझे लगी कि ये स्टर्डी है, ये काफी स्टर्डी है। आप इसके वेट से ही अंदाजा लगा सकते हैं, ये वे करता है 11 केजी के आसपास और ये वे करता है 7 केजी के आसपास। अब आपको समझ में आया, हाइट दोनों की सेम है लेकिन वेट में बहुत ज्यादा फर्क है। ये सारा मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है इस कूलर में कोई कॉन नहीं है, इसमें भी 2 कॉन्स हैं। इसमें आपको कोई ड्रेन आउटलेट नहीं मिलता। आई डोंट नो क्रॉम्पटन ने ऐसा क्यों करा लेकिन ड्रेन आउटलेट दिया नहीं है, शायद इसलिए कि 35 लीटर की कैपेसिटी है, इसमें ड्रेन कोई क्या ही करेगा, क्योंकि एक दिन में नहीं तो मैक्सिमम 1.5 दिन के अंदर सारा पानी खत्म हो जाएगा, जो आपको दोबारा रिफिल करना पड़ेगा, तो ड्रेन की जरूरत पड़ेगी नहीं। आई थिंक ये वाला उनका लॉजिक होगा, लेकिन फिर भी यार हमारी मर्जी ना, हम कभी भी ड्रेन करें ना करें, हमें पानी चेंज करना होगा, क्या करेंगे। Now this is where you have to think about it. दूसरी चीज, मुझे तार थोड़ी सी छोटी लगी यार, आधा मीटर क्रॉम्पटन और थोड़ी बढ़ा देते, हमारे लिए कन्वीनियंट होता, हमें भी जगह जगह तारों के साथ एक्सटेंशन कॉर्ड लगानी पड़ी। लेकिन अगर आपको 1.5 मीटर की तार की लेंथ बहुत है, 1.5 मीटर लेंथ है इसकी तार की, अगर बहुत है then you're good to go. अच्छा कूलर है, 7,500 रुपीज कॉस्ट करता है और मेरे हिसाब से ये प्राइस बहुत अच्छा है। चेंज हो सकता है लेकिन आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और VM1 एयर कूलर लिस्ट के अंदर, उसे डाउनलोड करके जरूर इसे चेक करिएगा और अगला भी देख के ही जाइए। बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 के मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे तीसरी बार, यानी पिछले 3 सालों से नंबर 3 पे ही आने वाला एक बार फिर से कूलर है, बजाज का PX97। बहुत शानदार कूलर है, 36 लीटर की कैपेसिटी के अंदर 100 वाट की पावर आपको देखने को मिलती है और इसके अंदर आपको फैन लगा हुआ मिलता है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है एंड इट इज अ फैंटास्टिक एयर कूलर। 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर की एयर फ्लो के साथ ये कूलर आता है जिसके अंदर आपको हनीकॉम पैड्स लगे हुए मिलेंगे और हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब देखो भाई, बजाज कहता है कि हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी के अंदर पानी धीरे 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 पैड्स के ऊपर आएगा जो कि हनीकॉम डिजाइन के बने हैं, उसकी वजह से आपको हवा जब उससे पास होगी तो ठंडी हवा मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप पंखा चलाएंगे तो आपको हवा मिलेगी, ये भी एक टेक्नोलॉजी है भाई। यार ये कोई टेक्नोलॉजी है, हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी इसी का नाम है। अब अच्छा पंखा अगर बजाज के इस कूलर में मिलता है तो बजाज इसे कहता है टर्बो फैन टेक्नोलॉजी।
देखो भाई, फैन तो अच्छा है और ये अच्छे से काम भी करता है, उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा एयर फ्लो भी देखने को मिलेगा, एयर थ्रो भी आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से और भी अच्छी टेक्नोलॉजी इस कूलर में है, ड्यूरा मरीन पंप टेक्नोलॉजी। ये एक अच्छी चीज है जो इस कूलर में आपको देखने को मिलेगी, और बजाज इसी ड्यूरा मरीन पंप पे आपको 2 साल की वारंटी इसी वजह से दे रहा है कि इसकी मोटर में या फिर पंप में आपको डबल इंसुलेशन करके दी है, यानी वो और ज्यादा लंबा चलेगा पानी के बीच में रहते हुए भी। ये एक अच्छी चीज होती है जो हमें ऐसे एयर कूलर्स में देखने को मिलती है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसे आपको पूरी तरीके से इग्नोर मारना है, क्योंकि बजाज कहता है इसके अंदर चिल ट्रैप टेक्नोलॉजी यूज हुई है। आपको देखना है इसके डायल नॉब्स, ये अच्छे हैं, सॉलिड हैं, खराब नहीं होंगे, और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, आपको इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर मिलेगा और पहले के मुकाबले थोड़े से स्ट्रॉन्गर कैस्टर व्हील्स मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बजाज का एयर कूलर इन्वर्टर कॉम्पैटिबल भी है। 30 फीट का एयर थ्रो बोलते हैं बजाज वाले। अब मैं उसे कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि इसका पंप और इसकी मोटर यानी फैन बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, अच्छी हवा मिलती है। आपको बजाज देता है 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव और 2 ईयर्स की वारंटी वो ड्यूरा मरीन पंप पे, जो मैंने आपको अभी बताया था, अच्छी चीज़ है ये। और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपीज का, ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। प्लीज़ लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खरीद लेना प्लीज़। आपको बताता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स। ये अच्छा एयर कूलर है, साइज में थोड़ा छोटा है, अगर आपने नीचे बेड आपका थोड़ा लो राइज है, आपने वैसे सुना है, या फिर आपने किसी लेवल पे एक कूलर को रख के बैठ के काम करना है, या फिर अगर आप खड़े हुए हैं तो आपने किसी स्टूल के ऊपर रख के इसे यूज करना है, देन इट इज वेरी वेरी गुड। इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, उसका ध्यान रखना, ये पर्सनल एयर कूलर है, टावर कूलर नहीं है, ये सोच समझ के आप इसे खरीदिएगा। इट्स अ वेरी गुड एयर कूलर, बहुत स्टर्डी है, इसके व्हील्स पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। यह नया वाला मॉडल है, पुराने वाले मॉडल के अंदर व्हील्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो अब नए वाले मॉडल में नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। एक दो कॉन्स भी हैं इसके अंदर, आपको जो वाटर इनलेट मिलता है वो थोड़ा सा छोटा मिलता है, आपको आइस चैम्बर तो मिलता ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर कम से कम एक मॉस्किटो नेट ही दे दे यार बजाज वालों, 2023 चल रहा है, कोई एक मॉस्किटो नेट यार अगले साल ही दे देना। लेकिन फिर भी ये कूलर बहुत बढ़िया है, आप इसे खरीद सकते हैं, अच्छा स्टडी एयर कूलर है जिसके अंदर आपको पंखा लगा हुआ मिल रहा है और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 के मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है हिंदवेयर का क्रूजो 46 लीटर एंड इट इज अ वाओ एयर कूलर। 105 वाट की मोटर लगी है इसके अंदर एंड ये फैन के साथ आता है, कोई ब्लोअर नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ पावरफुल एंड अ स्टर्डी एयर कूलर, क्योंकि इसके अंदर आपको 2250 यानी 2250 क्यूबिक मीटर पर आवर की एयर फ्लो देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। अब मार्केटिंग गिमिक बताऊं, आपको हिंदवेयर के इस कूलर में बैक्टो शील्ड हनी कॉम पैड्स देखने को मिलेंगे। अब हिंदवेयर को कहना है बैक्टो शील्ड, इस नाम को जरा स्प्लिट करें और ध्यान से समझें, बैक्टीरिया शील्ड उसे कहा जाता है, बैक्टो शील्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मल हनीकॉम पैड्स देखने को मिलते हैं, वो कहाँ से किसी बैक्टीरिया को रोक लेंगे और कौन इसे टेस्ट करेगा कि बैक्टीरिया रुक रहा है कि नहीं, तो कहने में क्या जाता है। अब मैं तो इसे टेस्ट कर नहीं सकता, तो मैं ये कहता हूँ कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल हनीकॉम पैड्स के इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। 4-way एयर डिफ्लेक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगी, और अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि ब्रांड्स की मार्केटिंग से फिर से बचें, क्योंकि आपको वो हमेशा कहेंगे 4-way एयर डिफ्लेक्शन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके अंदर सिर्फ साइड स्विंग मिलेगा, यानी लूअर्स इधर उधर होंगे, ऊपर नीचे आपको मैन्युअली खुद ही करने पड़ेंगे। इसमें वाटर ओवरफ्लो और ड्रेन आउटलेट्स दिए गए हैं, ये एक इन्वर्टर कॉम्पैटिबल एयर कूलर है, और इसमें आपको वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ साथ एक सेपरेट आइस चेम्बर भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसके कैस्टर व्हील्स भी काफी स्टडी हैं। पॉलीप्रोपिलीन के प्लास्टिक से बना ये एयर कूलर 8 केजी के आसपास वे करता है, और ब्रांड के हिसाब से 30 फीट का एयर थ्रो आपको इस कूलर से देखने को मिलेगा। हिंदवेयर देता है आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और आप अगर इस एयर कूलर को खरीदना चाहते हैं तो ये आपको इस समय कॉस्ट करेगा 6,500 रुपीज, जो कि मेरे हिसाब से बहुत शानदार प्राइस है, क्योंकि ये एक बहुत स्टर्डी कूलर है। इसके आपको एक दो साइजेस और भी मिलेंगे, और तीनों साइजेस बहुत ज्यादा स्टर्डी हैं, मैंने सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर ये 46 लीटर का एयर कूलर है तो आपको इसके अंदर 46 लीटर पानी भी तो भरना है। अगर आप स्टर्डी एयर कूलर नहीं लेंगे तो वो आज नहीं तो कल टूट जाएगा या क्रैक हो जाएगा। इसलिए एयर कूलर का स्टर्डी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एट द सेम टाइम लाइट वेट भी होना ज़रूरी है। दिस इज द बिगेस्ट प्रो ऑफ दिस एयर कूलर। आपको इसके अंदर कम वॉटेज की मोटर मिलती है 105 वॉट की, लेकिन आपको जो एयर फ्लो और एयर थ्रो मिलता है इज वेरी वेरी गुड। इसके अंदर जबरदस्त आपको हवा देखने को मिलेगी, आप एकदम हैरान हो जाएंगे, यार ये छोटा सा कूलर इतनी जबरदस्त हवा कैसे दे रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एक पर्सनल एयर कूलर डिपार्टमेंट के अंदर दिस एयर कूलर इज रियली वंडरफुल। और इसके अंदर एक दो चीज़ें मिसिंग भी हैं, मतलब एक चीज़ मिसिंग है मेरे हिसाब से, अगर मॉस्किटो नेट होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता पर्सनल एयर कूलर डिपार्टमेंट में। बट अब नहीं है तो हिंदवर वालों अगली बार दे देना यार प्लीज़। बट एक दो चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी कॉल आउट कर दी थी, ये वो बैक्टो शील्ड हनीकॉम पैच, मतलब यार ये करने की क्या ज़रूरत है यार, मतलब आपका कूलर वैसे ही अच्छा है, आप वैसे ही बिक जाएगा, तो ये बैक्टो शील्ड लिखने की जरूरत है क्या। ये सब चीजें अगर ना हो, अगर आप इसे पूरी तरह इग्नोर करते, देन इट इज अ फैंटास्टिक एयर कूलर। 6,500 रुपीज इज द प्राइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लिंक्स दिए हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जाइए लीजिए इसे। अब आप कहोगे यार नंबर वन पे कौन सा आएगा, तो बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 के मेरी लिस्ट में नंबर वन पे टॉप करने वाला कूलर है ये रहा यार, इतना बड़ा जहाज। इसे कहते हैं सिम्फनी का टच 55 लीटर, बट इट इज टू गुड से भी ऊपर। ये बहुत जबरदस्त एयर कूलर है, क्योंकि आप जब इसे लेके इसका एयर थ्रो चेक करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये एक छोटे से डेजर्ट कूलर का काम करेगा आपके कमरे के अंदर, और मैं कभी किसी पर्सनल एयर कूलर के लिए ये नहीं बोलता कि वो डेजर्ट एयर कूलर का काम करेंगे, रूम कूलिंग का काम करेंगे, बट यार ये तो जहाज है, यही इसका प्रो है और यही इसका कौन है, आगे भी बताता हूँ सुनो इसे। 185 वॉट की मैक्सिमम पावर ये एयर कूलर कंज्यूम करेगा, और इसके अंदर आपको हनीकॉम नहीं एस्पन पैड्स देखने को मिलेंगे। अब आप इसे वुड वूल कूलिंग पैड या फिर घास कह सकते हो, ये नए जमाने की थोड़ी सी घास है जो कि थोड़ा सा सेलुलोज मटेरियल और वुड वूल पैड्स को मिक्स करके बनाई जाती है, अच्छे पैड्स होते हैं ये। और इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, बताऊँ क्या, आपको सिम्फनी को कॉल करने की कभी जरूरत नहीं है, अगर पैड्स खराब हो जाए ना आपके 2-3 साल बाद, तो कम से कम एक घास ही लगा लेना अगर ज़्यादा बजट ना हो। That is a very very good thing in this air cooler. अब फिर से वही आ गई IPR technology, जिसे मैं already बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ और बता चुका हूँ, पर इसके अलावा आपको इसके अंदर मिलती है कूल फ्लो टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब यह है कि इस एयर कूलर के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो पैड्स के अंदर हुई है चारों तरफ, नहीं तीन तरफ, आगे तो आपको हवा मिलेगी, तीनों तरफ वो बहुत इवनली होगी, जिससे आपको बहुत अच्छी इवन ठंडी हवा मिलेगी। इट्स अ गुड थिंग, बट ये कोई बहुत ही रिमार्केबल टेक्नोलॉजी है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। एक और अच्छी चीज है इस एयर कूलर की, वो है फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स। ये मच्छरों को अंदर घुसने से बचाती है, एंड इट्स अ गुड थिंग। आपको एक सेपरेट वाटर ड्रेन आउटलेट मिलेगा और वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिलेगा। इस कूलर के ऊपर आपको नॉब्स देखने को मिलेंगे, एंड दे आर डायल नॉब्स, और आइस चेम्बर भी आपको अलग देखने को मिलेगा। ये एक इन्वर्टर कॉम्पैटिबल एयर कूलर है, और इसके अंदर आपको कैस्टर व्हील्स भी चार बहुत अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, और इस पे आपको सिम्फनी देगा 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी। आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो सिम्फनी टच 55 लीटर आपको इस समय कॉस्ट करेगा 11,300 रुपीज, और ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और इसे जरूर चेक करिए, लेकिन मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुन जाइए। ये एक अच्छा एयर कूलर नहीं है, ये एक बहुत अच्छा एयर कूलर है, क्योंकि ये एक छोटे मोटे डेजर्ट कूलर का काम कर सकता है। याद रखिए, अगर आपके रूम के अंदर बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो ये एयर कूलर आपके लिए सही नहीं है, ये बहुत बड़ा है और अच्छा खासा साइज है इसका। आप जब इसमें इतना पानी भरेंगे तो ये काफी भारी भी हो जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए, आप इसे नॉर्मली हर रोज हिला नहीं सकते हैं, इसलिए आपको इसके साइज की अगर दिक्कत नहीं है देन इट्स अ फैंटास्टिक एयर कूलर। इसका एयर थ्रो बहुत जबरदस्त है, आपके रूम तक को ठंडा कर पाएगा, दो इट इज मेंट टू बी फॉर ओनली पर्सनल यूसेज। आप अगर इसे एक या दो लोगों के लिए ही सही समझे तो ही ले, ये डेजर्ट कूलर कहीं से नहीं है, लेकिन मेरे समझाने का तरीका आप समझें। इसके अंदर भी एक दो छोटे छोटे कॉन्स हैं। इसके अंदर जो चार पहिए हैं वो 360 डिग्री नहीं घूमते, वो सिर्फ आगे और पीछे होते हैं। अब
मेरे हिसाब से ब्रांड का मानना ये होगा कि इतना पानी भरने के बाद आप इसे सिर्फ सीधा 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 आगे पीछे ही करें। बट यार, हर एक का घर अलग है, हर एक का कमरे का साइज, उसका डिज़ाइन, उसकी शेप अलग है, कोई आगे पीछे इधर उधर भी तो करना चाहता है, तो उस केस में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इस कूलर में कोई भी प्रॉब्लम है। इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एयर कूलर। अब जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी चॉइस आपके हाथ में है और मेरे लिंक्स भी आपके पास हैं आपके फ़ोन में, उसे ज़रूर चेक करिएगा और VM1 एयर कूलर लिस्ट को भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होगी। याद रखिएगा दोस्तों, ये पर्सनल एयर कूलर का वीडियो था और मेरा डेजर्ट एयर कूलर का वीडियो ये रहा, आने वाला है और बहुत ही जल्दी आपको वह देखने को मिलेगा। जब आ जाएगा तो आपको उसका लिंक भी यहीं पे मिलेगा और आप उसे ज़रूर देख पाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों याद रखना, VM1 एयर कूलर लिस्ट के अंदर आपको वो सारे एयर कूलर देखने को मिलेंगे पर्सनल और डेजर्ट एयर कूलर कैटेगरी में, जिन्हें मैंने खुद खरीद के टेस्ट किया और उन्हें सही पाया है। आप उसे ज़रूर डाउनलोड करिए और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।